मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा रिटायर्ड जज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल में मैं कुछ मित्रों द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का कि क्या हम सीधे सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जा सकते हैं या उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, अहम विषय है। आप इसे वीडियो को एस्केप न करें, शुरू से अंत तक देखें जिससे सारी जानकारी आपके समझ में आ सके। मित्रों भारत के संविधान के आर्टिकल 32 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन फाइल करने का लीगल प्रावधान है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सलाह के रूप में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इस पर किसी तरह की कोई लीगल व्यवस्था जो मैं समझता हूं वो आपको बता रहा हूं। थिंग्स टू नो बिफोर यू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने के पहले इन बातों को जान लें। सामान्य बातें हैं ये, जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका जवाब इस वीडियो में मैं कानूनी जागृति आपको रहे इस बारे में मेरा मात्र यह सुझाव है। आम इंसान के मन में ये समय समय पर प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने में छोटे छोटे मामलों में नहीं जा सकते हैं, बहुत खर्चा होता है, समय बहुत लगता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कोई भी छोटे से छोटा मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निराकरण के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा ले जाया जा सकता है। आम आदमी इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। कोर्ट ने कई ऐसे अहम फैसले अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 141, 142 वगैरह में दिए हैं कि द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये भारत का एपेक्स कोर्ट है, लॉ ऑफ द लैंड है और इसमें पॉइंट ऑफ लॉ जहां विधि या कानून का कोई भी प्रश्न इन्वॉल्व होता है तो आदमी चाहे वो स्टूडेंट के एडमिशन से संबंधित हो, आम आदमी के इलाज से संबंधित हो, फीस से संबंधित हो, कोई अन्य संवैधानिक अधिकारों से संबंधित हो, तो आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए एक कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और इसी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है उसका ये कार्य है और वहां ये कार्य किया जाता है कि न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटी भी नीचे की लोअर कोर्ट्स की अदालतें बनाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हर स्टेट राज्य का एक उच्च न्यायालय है। तो साधारणतया सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील या रिट फाइल करने पर कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता है जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में होता है। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है और पर हियरिंग लोगों को यह भ्रम है कि लाखों रुपया वहां खर्च होता है, ऐसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट के लीगल सेल में भी जा सकते हैं। यदि बिलो पॉवर्टी लाइन है, आपकी ऐसी आमदनी का कोई जरिया नहीं है तो आपको लीगल सेल बनी है जिसमें कोई आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भरना पड़ता है, भारी भरकम, जहां फीस नहीं है। आम आदमी चाहे वो केरल से आया हो, महाराष्ट्र से आया हो, गुजरात से आया हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य किसी राज्य, यूपी से आया हो, सबके लिए भारतवर्ष के कोने कोने से लोग लीगल रेमेडी या विधिक उपचार जो भी उसे संरक्षण किसी अधिकार के आनंद के रूप में प्राप्त है वो जा सकता है। लॉ पॉइंट्स की दलीलें अपने अधिवक्ता के माध्यम से ही रखी जाती हैं और इसके पहले आप पक्षकार जो भी आप सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं वो अपने किसी भी अधिवक्ता से इस बारे में विचार विमर्श कर ले, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट की शरण ले। क्योंकि लीगल क्वेश्चन जहां इन्वॉल्व होगा, विधि संबंधी प्रश्न अंतर्वलित होगा, वहीं आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक पुरानी फिल्म थी जिसमें सनी देओल ने डायलॉग ये लगाया था कि कानून में तारीख पर तारीख अदालत में मिलती है, ऐसा नहीं है। 10-20 वर्ष तक भी कोई मामले चल सकते हैं, ये मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है। केस के हिसाब से हर केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाता है और फर्स्ट हियरिंग में ही कई बार कई डायरेक्शन या ऑर्डर दे दिए जाते हैं जिसका कि पालन पक्षकारों के द्वारा करना होता है। बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए नेचुरल जस्टिस के तहत नोटिस जारी करता है, अपोजिट पार्टी को सुनता है और बिना सुने, जैसा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, सामने वाले को भी सुनना आवश्यक होता है, विपक्षी को। और कई केसेस फाइनली डिस्पोजल के लिए मेरिट लॉ पॉइंट इन्वॉल्व होता है, जनता के हित में होते हैं तो वो भी उसमें सुनवाई योग्य होते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो को बनाने का मुख्य पर्पज यही है कि थिंग्स टू नो बिफोर यू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए फंडामेंटल राइट्स का यदि आपका हनन हुआ है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। जमीनी स्तर की समस्याओं के लिए कोई PIL वगैरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वगैरह को लिख सकते हैं।
आम व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है और इस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस रिटों के माध्यम से जो आर्टिकल 32 में मैंने इस चैनल पर कई रिट्स के बारे में भी बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं कम खर्चे में मामले का, अपने संवैधानिक अधिकारों के उपचार के लिए आपको ये रेमेडी प्राप्त है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्र दोस्तों को भेजें। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।